तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एसपी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में रविवार को रेलवे बस स्टेशन पर चालक परिचालक व यात्रियों को कोविड-19 व सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया तथा कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलाई गई, जिसके संबंध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एसपी श्रीवास्तव ने बताया कि सभी लोगों को बताया गया है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाकर और हेलमेट सीट बेल्ट लगाकर ही घर से निकलें और वाहन चलाते समय गति सीमा का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि जागरूकता के लिए सभी लोगों में पंपलेट भी वितरित किया गया है और नियमों का पालन करवाने के लिए सभी चालक परिचालक और यात्रियों को कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलाया गया है, जिससे कि लोग घर से बाहर निकलते समय सड़क सुरक्षा व कोविड के नियमों का पालन करें। इस अवसर पर यात्री कर अधिकारी इरशाद अली, रोडवेज के ARM के तिवारी व बस चालक परिचालक व यात्री मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एसपी श्रीवास्तव ने कहा, बहुत दिक्कत होता है, फैलने की बहुत ज़्यादा उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के क्रम में ये तृतीय सुरक्षा सप्ताह भी स्पेशल आप लोगों के लिए मनाया जा रहा है, जिसमें आप सभी लोगों को जागरूक किया जाए। इसमें हमारे विशेष जानकारी हमारे यात्री का हमारे सब आपको देंगे, जिसके बाद एक शपथ पत्र पहुँच जाएगा। आपको जैसा बताया है कि तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, जिसका मूल उद्देश्य जीवन की सुरक्षा है। हम जब भी घर से निकलते हैं, किसी भी वाहन का प्रयोग करते हैं, तो उसमें सुरक्षा एक प्राथमिकता है हमारी। तकनीकी युग है, सड़कों पर वाहन की काफी संख्या बढ़ चुकी है और हमारी जीवन के एक आवश्यक अंग बन चुका है वाहन। चूंकि हम एक सरकारी संस्था से जुड़े हुए हैं, सरकारी इकाई है, आज भी जब हमारे घर से कोई निकलता है तो हमारे अभिभावक या हमारे मित्र ये कहते हैं कि किसी सरकारी बस में बैठना। हमारे घर की महिलाएं जाती हैं, बेटियां जाती हैं, तो उनका एक विश्वास हमारे ऊपर है कि हम तो सरकारी बसों में बैठेंगे तो सुरक्षित अपने घर पहुंचेंगे। मैं आपको कहूँगा कि सुरक्षित वाहन चलाएं, साथ से कोरोना की सुरक्षा के लिए मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ये संक्रमण का काल है, जैसे कि सड़क सुरक्षा सप्ताह में भी इस चीज को जोड़ दिया गया कि कोविड के साथ में प्रचार किया जाए, तो साथ ही अपना भी सुरक्षित रहे, साथ में जो आपके यात्री कर, क्योंकि गाड़ी के अभिभावक उस वक्त काफी होते हैं जब गाड़ी लेके चलते हैं। प्राचीन काल से रहा है कि सारथी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो आप भी उस समय उस वाहन के सारथी हैं, तो इसको आप लोग पुनः रिपीट करेंगे। मैं हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आवश्यक कानूनी दस्तावेज साथ रखूंगा। मैं कभी भी ड्राइव करते समय मोबाइल पर बात नहीं करूंगा। मैं सड़क के सिग्नलों का पालन करूंगा। मैं कभी भी सड़क के बीच में खड़ा नहीं, राहगीरों खास मैं राहगीरों खास तौर पर बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और सड़क घूमने वाले आवारा पशुओं पर ध्यान दूंगा। मैं हमेशा एम्बुलेंस और फायर वाहन को आगे जाने के लिए जगह दूंगा। मैं कभी भी सड़क की गलत साइड से ओवरटेक नहीं करूंगा। मैं आंखों के नियमित जांच कराता रहूंगा। मैं थका हुआ होने पर ड्राइव नहीं करूंगा।
मैं वाहन को फिट रखूंगा ताकि वो पर्यावरण से प्रदूषण न करें, मैं अपने यात्रियों के साथ मित्रों को सहायक रखूंगा, मैं स्कूल अस्पताल जैसे हार विशेष क्षेत्रों में कभी भी प्रयोग नहीं करूंगा, मैं लेन के अनुशासन का पालन करूंगा, मैं सड़क और ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करूंगा। धन्यवाद। साहब ने शपथ पत्र पढ़ा है, इसमें सारी चीजें जो है वो एकत्रित की गई है कि आपको क्या क्या करना है, सही लेन पे चलना है, कहाँ हार नहीं बजाना है, कहाँ हार बजाना है, गाड़ी अपनी दुरुस्त रखना है ताकि पर्यावरण में वो न हो। तो वर्तमान में कोविड चल रहा है, कोविड के समय विशेष करके हम लोगों के पास दूसरी भी बहुत सी है कि हाँ हम लोगों को मास्क लगा के चलना है, हम लोगों का सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, समय समय पर हाथ धोते रहना है। तो इन सब चीज़ें ये हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए है, और जब हम स्वस्थ रहेंगे हम सब कुछ रहेगा, तो हमारे चालन में हम जो चालक का काम कर रहे हैं तो हमारा वो भी जो है हम स्वस्थ रूप से ही वाहन चलाएंगे और उससे जो है कहीं भी दुर्घटना नहीं होगी। दुर्घटना के लिए विशेष करके जो भी फैक्टर होते हैं उस पर देखिए जगह जगह पर साइन लगे रहते हैं, सड़क पर लगे रहते हैं कि हाँ दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, वहाँ की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती है कि कुछ न कुछ कारण से दुर्घटना वहाँ होती है, इसलिए वो साइन लगा ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाते हैं। समय समय पर जो भी डीएम साहब के यहाँ मीटिंग वगैरह होती है तो उसमें ब्लैक स्पॉट ढूंढे जाते हैं कहाँ कौन सी जगह है जहाँ दुर्घटना ज़्यादा होती है, और वो ब्लैक स्पॉट चिन्हित करके वहाँ पर जो है ये बोर्ड लगाए जाते हैं दुर्घटना जनित क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र में ऐसे जहाँ भी हमको ये दिखाई पड़ता है ये बोर्ड लगता है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। अगर हम सतर्क होकर के नहीं चलेंगे तो हो सकता है कोई परिस्थिति हमारे साथ भी ऐसी आ जाए। वाहन को कभी भी ओवर स्पीड नहीं चलाना चाहिए, इतना चलाना चाहिए कि हाँ हम कंट्रोल कर ले जाए। बहुत सी चीज़ें जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर सड़क पर छोटा बच्चा दिखाई पड़ गया भाई बड़े को तो एक बार हम ये सोच सकते हैं कि हाँ वो ठीक है, वो हमको देख करके वो अनुमान लगा लेगा कि हमें क्या करना है, लेकिन छोटा बच्चा अगर दिखाई पड़ गया तो आपको सतर्क खुद हो जाना। आप भले गाड़ी चला रहे हो, आप बड़ी गाड़ी लिए हो, छोटा बच्चा है लेकिन वो किधर भाग जाएगा उससे खुद चूंकि खुद ज्ञान नहीं है वो कुछ भी कर सकता है। इस स्थितियों में इन हर परिस्थितियों को अगर हम सोच करके चलेंगे तो हम दुर्घटनाओं को वो करेंगे। सबसे ज़्यादा दुर्घटना जो मौत होती है वो दुर्घटना में होती है। इस दुर्घटना को किसी भी तरह टालना है ताकि क्योंकि जीवन अमूल्य है, इसे जितना भी हो सके बचाए रखना है, अपना भी गैर का भी। ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत आज जो है ये रोडवेज में वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इसमें सारे जितने चालक हैं और परिचालक हैं, साथ में यहाँ जितने पैसेंजर्स हैं, जितने यात्री हैं, सबको जो है जागरूक किया गया है, कोविड के प्रति सतर्क किया गया है, कोविड में क्या क्या सावधानी बरतनी है उसके प्रति सबको जागरूक किया गया है। सभी को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मास्क जरूर लगाएं, दो गज की दूरी रखें, कोई विशेष अवसर हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा भीड़ भाड़ से बचें। सारे ये जानकारी सभी को दिया गया है, शपथ दिलाया गया। उसके बाद इन सब कार्रवाइयों को अमल में लाने के लिए सभी लोगों को शपथ पत्र दिलवाया गया है, किसका जो है पूरी तरह से पालन करें।